पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। ममता के लिए अपनी सीएम की कुर्सी बचाना मुश्किल हो रहा है, तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट से भी ममता बनर्जी को बार बार झटका लग रहा है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा के लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपकर एक बड़ा झटका दिया। ममता भी इस झटके से उभरी भी नहीं थी कि उनके विरोध में एक और फैसला आ गया है। एक मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह माना है कि मानव अधिकार आयोग की समिति की रिपोर्ट सही है। इससे पहले एनएचआरसी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों और निष्कर्षों का विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया था कि ये गलत और पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने ये दावा किया था कि 7 सदस्यीय समिति के कुछ सदस्यों का भारतीय जनता पार्टी से संबंध था। हालांकि कोर्ट ने उनकी दलील मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि निर्वाचन आयोग की दलीलें बिल्कुल सही हैं कि चुनाव कराना उसका काम है, लेकिन प्रशासन चलाना सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि मेरी राय में निर्वाचन आयोग सैद्धांतिक रूप से सही है, लेकिन ये भी सही है कि निर्वाचन आयोग ने प्रशासन को प्रशासनिक ड्यूटी में लगे अधिकारियों का तबादला करने और उन्हें उस समय उसके निर्देशों के अनुसार तैनात करने के लिए कहा था जब वो चुनाव का प्रभारी था। तो ये निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है कि वो कम से कम प्रशासन को शिकायतें दर्ज करने का निर्देश या सलाह दे, जो उसने नहीं किया है। वहीं हाईकोर्ट ने बंगाल में चुनाव बाद हुए हिंसा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से ये भी साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल सरकार पर हाईकोर्ट को भी भरोसा नहीं है, इसीलिए जांच सीबीआई को सौंपी गई है। ऐसे में हाईकोर्ट के इन फैसलों के बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।